कई बार जो होता है हमें अपने डॉक्यूमेंट को, फाइल को, फोटो को या किताब को स्कैन करना होता है और वो जो है हम इधर उधर से जो है कोई भी जो एप्लीकेशन से उसको स्कैन करते हैं तो वो जो है क्लियरिटी साफ नहीं आता है। तो मैं आपको एक बेहतरीन और एक शानदार एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो बिल्कुल फ्री है। आप जो है इस एप्लीकेशन को एक बार यूज कीजिएगा तो आप जितने एप्लीकेशन यूज करते होंगे स्कैनिंग के लिए वो सारे के सारे आप भूल जाएंगे। स्वागत, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। चैनल सब्सक्राइब करते ही साथ में क्या करना है, आपको इस बेल के बटन को प्रेस कर लेना है। बेल के बटन प्रेस करने से यह होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो मैं आपको एक बेहतरीन स्कैनर के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही आसानी से अपने डॉक्यूमेंट, फोटो, किताब या कोई फाइल को अगर आप स्कैन करना चाहते हैं तो बहुत ही शानदार तरीका से कर सकते हैं और ये जो है फुल HD में आपको जो है स्कैन होगा और बहुत ही क्लियरिटी होगा। तो अगर आपको अपने फाइल, फोटो, फोल्डर या कोई किताब वगैरह को जो है स्कैन करना चाहते हैं तो आप जो है इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई भी चीज स्कैन करना है तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप सब कुछ सीख पाएंगे किस तरीके से इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप जो है फोटो, फाइल, फोल्डर, किताब या कुछ भी आप कैसे स्कैन कर सकते हैं वो भी HD में। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फोटो, फाइल, डॉक्यूमेंट या कुछ भी आपको स्कैन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, वो है एडोब स्कैन। मैं डाउनलोड कर रखा हूँ तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। ओपन करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से आपको इसका यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन इन विथ गूगल या फेसबुक या एप्पल का आपका मोबाइल है तो उससे भी आप जो है साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं साइन इन विथ गूगल वाले पे क्लिक करूँगा और मैं जो है यहाँ गूगल अकाउंट से मैं इसको जो है साइन इन कर लेता हूँ। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से जो भी आपके पास अकाउंट, तो आपको जिससे भी लॉगिन करना है आपको उस वक्त के उस वाले पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से आपको यूजर इंटरफेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे कंटिन्यू वाले पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके सामने में कुछ इस तरीके से लेट्स गो का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे परमिशन मांगेगा, आपको परमिशन वाले को क्या करना है आपको अलाउ कर देना है। देखिए आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, व्हाइट बोर्ड, फॉर्म, डॉक्यूमेंट, बिजनेस कार्ड। अब जिसको भी स्कैन करना चाहते हैं आप बहुत ही इजी तरीका से जो है स्कैन कर सकते हैं। हमारा को इस तरीके से रख, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर जो लुकिंग फॉर जो डॉक्यूमेंट हो रहा है और यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पर जितना को भी लेना है इस तरीके से यहाँ पर आपको कैप्चर करेगा और यहाँ पर जो है इस तरीके से आपको कैप्चर कर देना है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो है आपका ये कैप्चर हो रहा है और यहाँ प्रोसेसिंग यहाँ पर जो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर देखिए इतना कैप्चर हो गया है और जितना का भी आप लेना चाहते हैं इस तरीके से जो है आप लिखते हैं। यहाँ कंटिन्यू वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है इतना का देखिए यहाँ पे कट कर चुका है, ठीक है। अगर और भी लेना चाहते हैं कोई भी चीज़ का आएगा आइकन और यहाँ पर जितना का भी लेना चाहते हैं इस तरीके से जो है आप यहाँ पर बढ़ा घटा सकते हैं। इस कंटिन्यू वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। कंटिन्यू वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका आ चुका है, जितना भी लेना है बस आपको क्या करना है मिडिल वाले पे टच कीजिएगा और टच करने के बाद जो है ये कैप्चर कर लेगा इस तरीके से। मैं दिखाता हूँ इस तरीके से मिडिल वाले पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर देखिए आ चुका है, यहाँ पर एक पूरा का जो है कैप्चर करेगा। हम देखिए कैप्चर कर चुका है। कंटिन्यू वाले पे क्लिक कीजिएगा और इसके बाद कंटिन्यू वाले क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे जो है आपको सेव कर देगा। इसके बाद जो है इसको बहुत ही इजी तरीके से जो है आप जो है क्रॉप एंड कुछ भी करना है कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आ चुका है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जितना भी मैं जो है फोटो लिया हूँ वो सारा का सारा यहाँ पर देखिए आपको आ चुका है। यहाँ पर देखिए आपको सारा का सारा आ चुका है, ये चार फोटो है तो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं इसको जो फोटो लिया हूँ वो आपको यहाँ पर आ चुका है। इस पर जो है आप बहुत ही आसानी से इसको जो है क्रॉप कर सकते हैं, तो क्रॉप वाले पे क्लिक कीजिएगा और जितना का भी क्रॉप करना है इस तरीके से आप जो है क्रॉप कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि नहीं कुछ ज़्यादा कट छांट गया तो इस तरीके से आप जो है काट छांट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर राइट वाले पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए ये जो है इतना का जो है यहाँ पर कट कर देगा।
यहाँ पर देखिए इतना का जो है ये कट चुका है, यहाँ पर रीऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरीका से आप जहाँ पे रखना चाहते हैं तो इस तरीका से उठा के, जैसे आपको फोटो खींच रहे हैं किताब का, बुक का, 8-10 का हो गया, तो आपको किस तरीके से सजाना है तो यहाँ पे इस तरीका से जो है आप रीऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं इस तरीका से यहाँ पर करूँगा, इस तरीका से आप जो है रीऑर्डर कर सकते हैं। इस तरीके से जो है आपको अगर ज़्यादा फोटो हो जाता है तो इस तरीके से जो है आप इस तरीके से आगे पीछे इस तरीके से जो पेज को आप आगे पीछे कर सकते हैं। इसके बाद राइट वाले पे क्लिक कर रीऑर्डर करके सजा सकते हैं। यहाँ से जो है आप क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो जिधर भी घुमाना चाहते हैं घुमा सकते हैं। यहाँ पर कलर कर सकते हैं, कलर वाले पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर ऑल पेज पे हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ढेर सारा कलर मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है आपके नेट पर डिपेंड करता है कि आपको नेट कितना फास्ट काम कर रहा है। यहाँ पर वो सारा कलर आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रे स्केल आ गया, यहाँ पर ऑटो कलर आ गया, इसके बाद यहाँ पर ओरिजिनल कलर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए बोर्ड कलर आ गया। तो यहाँ पर जो आप ओरिजिनल है, यहाँ पर ऑटो कलर है, तो इस वाले पर क्लिक कीजिए, आपका ये ऑटो कलर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लीन अप कर सकते हैं, मतलब इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसको जो है आप क्लीन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका आ चुका है, तो इस यहाँ पर देखिए फिट विथ सेलेक्ट कलर, तो इस तरीके से सेलेक्ट कीजिएगा और कहाँ आपको फिट करना है कलर, वो इस तरीके से जो है आप साइज छोटा बड़ा करके आप जो है इस तरीके से आप जो है कलर को बढ़ा घटा सकते हैं, कलर कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। देखिए यहाँ पर सफाई हो रहा है, तो आप जो है इसको सफाई कर सकते हैं, जितना भी सफाई करना चाहते हैं यहाँ पर आप सफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारा कलर मिल जाता है, ठीक है। तो इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद जो है इस तरीके से आप जो है कलर कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है और जितना भी जो है आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कलर कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर देखिए आप रिसाइज कर सकते हैं, इसके बाद इसको जो है डिलीट कर सकते हैं, क्लीनअप कर सकते हैं, मतलब साफ कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ से जो है इसको रिसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो सारा साइज आ चुका है, आप जिस भी साइज में रखना चाहते हैं आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, वो साइज में आपको यहाँ पे आ जाए। यहाँ पर आप जो भी साइज में रखना चाहते हैं इस तरीके से जो देखिए यहाँ पे जो है आप सिर्फ आपको इस पे कर्सर रखना है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे साइज आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको रख देना है, यहाँ पर राइट वाले पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपका साइज हो चुका है। इसके बाद क्या करना है आपको, जो यहाँ पे कोई नाम डाल सकते हैं, तो यहाँ पे पेंसिल आई वाला आइकन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे अपना कोई नाम डाल दीजिए। तो जो भी नाम डालना है तो आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ। तो अपना नाम जो है बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे कौन सा डेट है वो डेट आ चुका है, यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे डेट जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आप इसको जो है एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ रीनेम आ चुका है, इसके बाद रीनेम वाले पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपका नाम आ चुका है। यहाँ पे सेव पीडीएफ वाले पे क्लिक करके आप जो है इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि आपको जो यहाँ पे पीडीएफ में सेव यहाँ पे हो चुका है, यहाँ से देखिए शेयर कर सकते हैं, यहाँ पर व्यू देख सकते हैं, यहाँ पर कमेंट कोई आपको कर सकता है। यहाँ मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर दोबारा से इसको रीनेम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, या इसको आप चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, इसको कॉपी डिवाइस में भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको और ऑप्शन मिल जाता है, प्रीव्यू वाले पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर अपना प्रीव्यू देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर बैक आ जाइएगा, मोर वाले पे क्लिक करके यहाँ पर आपको ढेर ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए सेव पेज टू जेपीईजी में भी कर सकते हैं, अगर पीडीएफ में तो सेव पेज एस पी जी पर क्लिक कीजिएगा, तो ये यहाँ पर परमिशन मांग रहा है, इसको अलाउ कर दीजिए और ये आपका जो है यहाँ पे जेपीईजी में यहाँ पर आपका सेव हो चुका है। सो इस तरीके से आप बहुत ही ईजी तरीके से जो है आप घर बैठे आप जो है स्कैनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको और ऑप्शन मिल जाता है, इस साइड फोटो वाला आइकन है, इस पर क्लिक फोटो वाला आइकन पे क्लिक करते ही आपके गैलरी में जितना भी रहेगा वो सारा का सारा आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे आ चुका है, जो भी जिसको भी आप स्कैन करना चाहते हैं बहुत ही ईजी तरीके से स्कैन कर सकते हैं। इसमें आपको जो भी पसंद है उसको बहुत ही ईजी तरीके से जो है आप स्कैन कर सकते हैं। जैसे मैं इस कलर वाले पर चूज करता हूँ, यहाँ राइट वाले पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए आपका जो ये कलर मैं सेलेक्ट किया हूँ वो कलर यहाँ पे आपका आ चुका है। अब इस तरीके से यहाँ पे जो इसको क्रॉप कर लीजिए और कितना आपको रखना है इस तरीके से राइट वाले पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे जो है आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर 2-3 फोटो जो खींच रखे हैं तो इसका रीऑर्डर कर सकते हैं, इसके बाद एड पेज कर सकते हैं, कलर आप चाहते हैं तो इसको यहाँ पर कलर कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं इस तरीके से, जहाँ भी आप मूव करना चाहते हैं मूव कर सकते हैं, यहाँ पर रिसाइज कर सकते हैं, आप जितना भी रखना चाहते हैं इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे आप रिसाइज करके रख सकते हैं। राइट वाले पे क्लिक कीजिएगा, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से सेव पीडीएफ वाले पे क्लिक कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं,
या कोई नाम डालिए है, या अगर आपको कोई नाम डालना है तो पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आप कोई भी नाम जो है डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ए यस। इस तरीके से यहाँ रीनेम वाले पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आ चुका है। सेव वाले पे क्लिक करके आप बहुत ही इजी तरीके से इसको जो है पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो है पीडीएफ में यहाँ पे आपका सेव हो चुका है। क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। इसको जो आप जो है कॉपी कर सकते हैं, डिवाइस में ये कॉपी करके भेज सकते हैं, दूसरा नाम डाल सकते हैं, मूव कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, या आप इसको डिलीट करके हटा भी सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको जो है कैमरा से क्लिक करना है तो कैमरा वाला आइकन पर क्लिक कीजिएगा। कैमरा वाला आइकन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको फिर से वही आ जाएगा जितना का भी आपको लेना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको है पूरा सेलेक्ट कर लेना है। बीच वाला आइकन पर जो है आपको क्या करना है, इस तरीके से क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए आपको कैप्चर कर चुका है, जितना का भी लेना है इस तरीके से जो है आप ले सकते हैं। कंटिन्यू वाले पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर देखिए आ चुका है। एक से ज़्यादा भी फोटो ले सकते हैं, बाद में इसको क्रॉप कटिंग छटिंग कलर फलर भी जो भी आप करना चाहते हैं बहुत ही ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ चुका है, अब मैं यहाँ पर पहले क्रॉप कर लेता हूँ। अब जितना भी आपको क्रॉप करना है इस तरीके से आप क्रॉप कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर जितना क्रॉप करना चाहता हूँ तो इस तरीके से जो है आप क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्रॉप में कर लिया, यहाँ पे मैं इस तरीके से कर लिया। अब यहाँ पर राइट वाले पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे जो है आपका क्रॉप होकर यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, क्लीन अप कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, और जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर नाम डालिएगा, सेव कर लीजिएगा, जैसे मैं अभी आपको बताया हूँ। सो गाइस, बहुत ही ईजी तरीके से आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप जो है बहुत ही ईजी तरीके से कोई भी फॉर्म या व्हाइट बोर्ड या इसमें आपको ढेर सारा ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए बिजनेस कार्ड को भी आप जो है बहुत ही ईजी तरीके से स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है दूसरा वाला आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जितना भी रहेगा वो सारा का सारा यहाँ पे आपका आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैं इसको जो सेव किया हूँ तो ये यहाँ पे आ चुका है। सो ये जो बहुत ही अच्छा बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है जिससे आप बहुत ही ईजी तरीके से स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं जो मोबाइल यहाँ पर एकदम थोड़ा सा स्थिर से रखता हूँ तो ये जो है आपके मोबाइल पर डिपेंड करता है कि आपका मोबाइल का कैमरा कैसा है। यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से यहाँ पे बीच वाला आइकन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपका सेलेक्ट कर चुका है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा जो यहाँ पर सेव हो चुका है, इस वाले में क्लिक करूँगा। यहाँ पर जो देखिए मैं इसको क्लिक किया हूँ वो आप यहाँ पर जो है आपका प्रोसेसिंग है और यहाँ पर आपका ये आ जाए। यहाँ पर देखिए आपका आ चुका है। आप जो जितना भी क्रॉप वगैरह करना चाहते हैं बहुत ईजी तरीके से मैं जैसे बताया हूँ इस तरीके से आप क्रॉप कर सकते हैं, जितना आपको रखना है, जितना काटना है इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। बहुत ही अच्छा ये एप्लीकेशन है। राइट वाले पे क्लिक कीजिएगा, ये आपको यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर नाम डाल सकते हैं पेंसिल वाला आइकन पर, ऊपर जो है सेव पीडीएफ कर सकते हैं, और उसको बाद में भी जाके आप जेपीईजी में भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारा जो है टूल्स मिल जाता है जिसका यूज आप बहुत ही ईजी तरीके से अपने फोटो फाइल कोई जो कार्ड है या किताब वगैरह को जो स्कैन कर रहे हैं तो बहुत ही इजी तरीके से स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कितना साफ यहाँ पे स्कैनिंग किया है। तो ये जो अगर आप एप्लीकेशन यूज करते हैं तो जितना भी एप्लीकेशन यूज करते होइएगा वो सारा का सारा जो एप्लीकेशन आप भूल जाइए, तो आप समझ सकते हैं कितना शानदार ये एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कितना जो है साफ यहाँ पे स्कैनिंग किया है। सो गाइस, बहुत ही इजी तरीके से आप जो है इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप बहुत ही इजी तरीके से कोई भी फाइल फोटो डॉक्यूमेंट या कोई भी कार्ड है उसको आप बहुत ही इजी तरीके से जो है आप स्कैन कर सकते हैं। यहाँ थ्री वाला लाइन जो है इस पर क्लिक कीजिएगा, और आप चाहते हैं इसको डिलीट करें तो यहाँ से डिलीट भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डिलीट होकर हट चुका है। तो इस तरीके से गाइस जो है यहाँ पर कुछ ऐड आएगा, आपको ऐड को हटा देना है या मोर वाले पर क्लिक कीजिएगा, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं। तो इस तरीके से आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको खराब जो है स्कैन हो जाता है तो आप जो है इस तरीके से आप इसको डिलीट करके हटा सकते हैं। तो गाइस जो है ये बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है एडोब स्कैन, एक बार इसको यूज कीजिए आपको बहुत ही अच्छा ये एप्लीकेशन लगेगा। तो गाइस अब तो आप सीख ही लिया होगा किस तरीके से फाइल फोल्डर फोटो या किताब को आप कैसे आप फुल HD में कैसे स्कैन कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।